डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक वेरिएबल y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहां पे x की वैल्यू ग्रेटर है माइनस 1 अपॉन रूट 3 से और लेस है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 से। ठीक है, ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, x जो है वो माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इनके बीच में लाई करता है और इनसे बड़ा होता है, इनके इक्वल नहीं होता। ठीक, चलिए तो हमें अब निकालना है dy by dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये सब हमें दिया हुआ है। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए, आप राइट हैंड साइड में देखिए, आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाई देगी 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, क्लास 11th में आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, थ्राइस ऑफ टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ 3 थीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए x की वैल्यू कोई टेन फंक्शन होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं लेट x इज इक्वल टू टेन ऑफ सम एंगल t, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टेन इनवर्स x। तो ये हमने एज्यूम कर लिया और अब हम यहां पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा करने से y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा y इज इक्वल टू, पहले मैं y की वैल्यू कॉपी करता हूं, टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहां पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगी टेन इनवर्स थ्राइस ऑफ टेन ऑफ t माइनस टेन क्यूब t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर t। इस आइडेंटिटी को यूज करके यहां पे क्या लिखा जा सकता है, यहां पे लिखा जा सकता है tan of 3t। तो इस तरह से y जो है वो बन जाएगा tan इनवर्स tan of thrice of t। ठीक, अब देखिए tan इनवर्स tan 3t ये बन सकता है, इसकी वैल्यू 3t बन सकती है, लेकिन कब, कुछ कंडीशंस के साथ, इफ 3t इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन पाई बाई टू। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए tan इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में होती है, जिसमें माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होते, क्योंकि tan फंक्शन जो है वो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan ऑफ 3t बन सकता है अगर 3t उस रेंज में रहे। किस रेंज में? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू की रेंज में रहे, ये कंडीशन है। अब देखिए जो 3t है वो इस रेंज में है, तो t का क्या हालचाल होगा? अब मुझे t कैलकुलेट करना है। t कैलकुलेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस 3t को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो मैं अकेले इसको तो डिवाइड कर नहीं सकता ना। ठीक है, इस इनइक्वालिटी में हर एक टर्म को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो मैं 3 से डिवाइड करता हूं पूरी इनइक्वालिटी को, तो मुझे मिलता है t इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई सिक्स एंड लेस देन पाई बाई सिक्स। तो ये है हालचाल t का। अब मैं एक काम करता हूं, इस ये जो एंगल t है इसका टेंजेंट फंक्शन लेता हूं, तो tan t का क्या हालचाल होगा? देखिए फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं tan ऑफ t इज ग्रेटर देन tan ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स एंड लेस देन tan ऑफ पाई बाई सिक्स। ठीक है, अब यहां पे देखिए tan ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स क्या होता है, माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट थ्री। ये जो tan ऑफ t है ये क्या होगा, देखिए tan ऑफ t को आपको याद होगा, tan ऑफ t को हमने x एज्यूम किया था, या आप बोलिए x को हमने tan t एज्यूम किया था, तो इस tan ऑफ t की जगह मैं x लिख सकता हूं यहां पर, तो लिखते हैं यहां पे लिख दूंगा मैं x, और ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई सिक्स जो कि होता है वन अपॉन रूट थ्री। तो अब बात क्या बनी, बात ये बनी
कि y की जो वैल्यू है वो 3t कब हो सकती है, जब x की वैल्यू -1/√3 से बड़ी हो और 1/√3 से छोटी हो, तभी यह y की वैल्यू 3t बन सकती है। ये होनी चाहिए x की रेंज। तो याद होगा आपको, जो हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो हमने x की रेंज बताई थी, x की क्या रेंज होनी चाहिए थी, हमने तब बात की थी x के बारे में, x की वैल्यू जो है वो -1/√3 से बड़ी होनी चाहिए और 1/√3 से छोटी होनी चाहिए। तो यही रेंज तो यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये तो सेम रेंज है जो क्वेश्चन में दी हुई है कंडीशन, इसका मतलब जो y की वैल्यू है वो 3t बन सकती है। तो फाइनली y इज इक्वल टू 3t डिक्लेयर हुआ। अब आपको पता है t कौन है, टी था tan इनवर्स x, तो मैं यहां लिख लेता हूं थ्राइस ऑफ tan इनवर्स x। तो अभी तक देखिए, अब तक ये सारा तामझाम हमने जो किया है सिर्फ यही कैलकुलेट किया है, यही निकाला है कि y इज इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। अभी तक हमने y की जो वैल्यू थी वो सिंप्लीफाई की है और अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का कोई भी काम नहीं किया। अब लेकिन हमें चाहिए dy by dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ थ्राइस ऑफ tan इनवर्स x होल विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे 3 एक कांस्टेंट है, एज इट इज बाहर रहेगा इन मल्टीप्लिकेशन, अंदर होगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो क्या होता है, वो होता है 1/1 + x². तो फाइनली आपको dy by dx की वैल्यू मिली 3/1 + x².